वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब थक भी गए होंगे और पीर बुद्धू शाह बारे काफ़ी गल्ला बेर तो पहले बुलारिया ने भी कही। हुण बेसिकली गुरु नानक साहब सानू एक गल कहिंदे ने भी सिखो हर गल ते विचार करो। परमात्मा ने सानू बुद्धि बख्शी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करो, विचार करो। एक सिंपल जिहा क्वेश्चन यह आउंदा है कि पीर बुद्धू शाह जी जो कि मुसलमान फिरके चो आके गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल आके अपने दो पुत्रां सैयद गुलाम सैयद मुहम्मद शाह ते सैयद उन्हां पिता का नाम सैयद गुलाम शाह उन्हां दी कुर्बानी भी इस पूरी युद्ध विच होई, क्यों देंदे ने, की कारण है। 1704 च पीर बुद्धू शाह नूं भी शहीद किया जाता। कौन है पीर बुद्धू शाह, की रिश्ता है उन्हां गुरु साहिबां नाल, और जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो सड़ौरे पहुँचते हैं 1699 ते पीर बुद्धू शाह उन्हां दे चरणां दे विच रोम इटली यूरोप तो आई हुई एक कृपान राजे दी मुहम्मद खलीफा फोर दी उन्हां दे चरणां च रखते हैं। ये इतिहासिक स्रोत कहिंदे ने, ये भाई कान सिंह नाभा कहिंदा है। यूरोप दे राजे दी कृपान पीर बुद्धू शाह कोल पहुँचनी ते पीर बुद्धू शाह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणां च रखनी। ये साढ़े ते विचार करन दा बिल्कुल सबजैक्ट है कि इन्नी दूर तो वह कृपान चल के सड़ौरे क्यों आई ते दसवें नानक दे चरणां च क्यों रखी गई। अज साढ़े बच्चे दो नंबर च एक नंबर च यूरोप जाने की कोशिश करते हैं ते उस समय उस टाइम दे राजे इत्थे अपना वैपन भेज रहे ने ते तलवार भेजन का मतलब यह हुंदा है कि मेरी जिन्नी शक्ति है जिन्नी उस राजे की शक्ति है सारी गुरु साहब के चरणों समर्पित है। तो विनर वीर ने मैनू यह गल कही कि असी इसी गल पर विचार करना है कि पीर बुद्धू शाह को जो कृपान आई मुहम्मद खलीफा चार दी वह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों च इतने सड़ौरे क्यों रखी गई। गल गुरु नानक साहब तो शुरू होंदी है जी। गुरु नानक साहब अपनी तीसरी उदासी के तहत 1514 च मक्के मदीने पहुँचते हैं तो मक्के मदीने पहुँचने तो बाद काबे जाते हैं तो काबे जाने तो बाद कौतक यह वरताया जाता है कि काबे की जड़ी मुसलमान फिरका है जड़ी मुसलमान वसो है लिखारी ये लिखता है कि 70% मुसलमान सिख बन जाते हैं। 70% इतिहास यही नहीं दसता कि गुरु नानक साहब किन्ने टाइम रहे। 5.5 महीने गुरु नानक साहब मक्के मदीने रहिंदे ने। 5.5 महीने मक्के काबे दे वैस्टर्न गेट के सामने गुरु नानक साहब ते बाबा फरीद का मकान तैयार किया जाता है। ये ताजुद्दीन नक्शबंदी डायरी च लिखिया है। ते अल्टीमेटली जो मक्के मदीने का हैड काजी है वो भी सिख बनता है। सिख बनन तो बाद उन्होंने शहीद किया जाता, सिखां दे पहले शहीद ने। ते जो उन्होंने 7 सजावां सुनाईया जांदियां ने ते जो 7वीं सजा उन्होंने पूरी हो जाती है तो उन्होंने कहते भी इन्हों की 7वीं सजा हुण पूरी होने वाली है, रेत च पुट्ठा टंगिया हुंदा है ते इन्हां नूं बाहर कढ़ो, की पता भाई रुकुद्दीन का मन बदल गया होए ये मुसलमान फिरके चाहनू दोबारा तैयार होण। ते कागज़ ते कलम मंगाया जाता है ते भाई रुकुद्दीन कहिंदे ने रुबियान किताबे इल इमाम हज़रत नानक मम, भी जो इलाही बाणी हुण गुरु नानक दे गए उहनां दे हिसाब नाल ही हुण असीं चलांगे, पिछे नहीं हटांगे। और उत्थे भाई रुकमुद्दीन नूं शहीद कर दित्ता जांदा, सिख कौम दे पहले शहीद ने, पहले शहीद जो कि मक्के मदीने दे हैड काजी सी सिख बनन तो बाद पहली शहीदी लैंदे ने।
उस तो बाद गुरु नानक पातशाह जाते हैं मिसर। मिसर के जिन्हों कैरो कहें उसे टांडा जगह है और उसे पीर जलालुद्दीन डिबेट होंगी है। और मुगल राज तो पहले जो वड्डा राज सीगा उसका नाम से ओटोमन एम्पायर और उस राजे का नाम से शाह सलीम फस्ट तो उसके गुरु का नाम से पीर जलालुद्दीन। तो टांडे जो अरेबिक डिबेट होंगी है तो राजा तो पीर दोनों गुरु नानक साहब के चरणी पै के रोंदे ने। यह ताजुद्दीन नक्शबंदी डायरी लिखती है तो दोनों सिख बंदे ने शाह सलीम फस्ट तो शाह तो पीर जलालुद्दीन। तो पीर जलालुद्दीन चो वो आके थनेसर वसदे ने जिथों हलीमी राज की स्थापना दी गुरु नानक साहब के मिशन के उपर काम करते ने। इस तो बाद गुरु नानक साहब जरूसलम जाते हैं। जरूसलम वो जगह है जिथे तीन दुनिया के व्डे धर्मां का जन्म होया जिन्हों यहूदी कहिंदे ने जिन्हों क्रिश्चनस कहिंदे जिन्हों मुस्लिम्स कहिंदे ने और जिन्होंने इब्राहिम फेथ भी कहिंदे ने उत्थे जन्म होया। गुरु नानक पातशाह ते बाबा फरीद जाके उत्थे एक धर्म स्थल स्थापित करते हैं जो अज भी मौके पर खड़ी है जरूसलम दे विच। माफ करना साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह का जो कौतक सीगा, गुरु नानक पातशाह का जो सिद्धांत सीगा वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं सीगी। इब्राहिम फेथ जिहड़ा अज भी दुनिया के लगभग 80% मुल्कां दा धर्म है उहदे विच गुरु नानक पातशाह जाके धर्मशाल स्थापित करदा जो अज भी मौके पर खड़ी है। उस तो बाद गुरु नानक पातशाह रोम भी जाते हैं और इस सारे दे सारे जिन्ने दुनिया के 130 राजे ने गुरु नानक साहब के मरीद बंदे ने। तो यह जिहड़ी मूवमेंट है ये सारी सारी मूवमेंट टांडिया के राही है, टांडिया के राही वंजारिया के राही है। गुरबाणी च श्लोक आता है घट अवगट डूंगर गणा एक निर्गुण बैल हमार रमैया सो एक बेनती मेरी पूंजी रखो मरार कहो वनजारो राम को मेरा टांडा लाद्यो जाए रे हो वनजारो राम को सहज करू अपार। ते ए टांडे जेडे दुनिया दे विच व्यापार कर रहे सीगे हिंदुस्तान दे विच अज भी 15,000 पिंडा दे शहरा नाम टांडा है। उणमुल टांडा कई टांडे दे पंजाब च भी ने, केरला करनाटका तक भी टांडे ने, कई हजारां तादाद च ने, यूरोप च भी टांडे ने, अफ्रीका च भी टांडे ने, मिडल ईस्ट च भी टांडे ने, रशिया च भी टांडे ने, चाइना च भी ने। ये सारे गुरु नानक पातशाह का संदेश लैके पूरे दुनिया चले गए सी। और माफ करना साध संगत जी, लिखारी ये लिखता है कि मक्के मदीने च मुसलमान नहीं लभदा पिया सीगा। मक्के मदीने का जो सब तो वड्डा परिवार सी वो पीर बुद्धू शाह का परिवार सी। ये परिवार हजरत निजामुद्दीन मक्के मदीने तो चल के हुणे कौन है परिवार, ये मुहम्मद साहब की बेटी फातिमा बिंट ते हजरत अली दे विच्चों है। ये सीधा मुहम्मद साहब का खून सी जो गुरु नानक साहब के फलसफे तो सुनने तो बाद सड़ौरिया आ गया। हुण गुरु नानक साहब गए तो बेड़े के रस्ते बे समुंदर के रस्ते बेड़े च बैठ के गए और पहुँचे मक्के मदीने ते वापसी की धरती दे लैंड रूट के थ्रू। वापसी आए तो वापसी आते आते बगदाद पहुँचे ने ते बगदाद च उन्हां दी मुलाकात हुई है दो पीरां नाल, एक हैगा जी पीर दस्तगीर ते एक हैगा पीर बलोलदाना। गुरु नानक साहब नूं मिलन तो बाद वह पीर भी डिबेटा बड़िया लंबिया ने भाई गुरदास जी ने सारा जिक्र किया अपनी वारा च। ते दोनों पीर भी छड के अपना बगदाद का इलाका तो इसी इलाके जाके वस गए ने। और जिहड़ा उस टाइम पीर दस्तगीर तो एक गद्दी का नाम सीगा ते जिहड़ा मौके ते पीर गुरु नानक साहब के पिछे चल के ते पहुंचया उहदा नाम से शाह खुसमैनी जिहदा रोज़ा पीर भी कहिंदे आ। वह वर्ल्ड की सब तो वड्डी कादरी मूवमेंट का सब तो वड्डा हैड सीगा। वह गुरु नानक साहब के पिछे चल के सडौरे आ गया तो हलीमी राज दे मिशन के उपर काम करना शुरू किया। बाबा फरीद जी, असी 300 साल का फर्क पा देंगे ने, लिखारी लिखता बाबा फरीद जी भी इस इलाके आते हैं। भगत सदना जी भी सड़ौरे आते हैं जो गुरु ग्रंथ साहब जिन्हों की बाणी विराजमान है। हुण इलाका केड़ा है जित क्यों आह पीर दुनिया के जिन्हों के कहते मुसलमान 50 कंट्री चलते सके वह सडौरे आके क्यों वस गए,
सब्जेक्ट जरूरत तो ज्यादा वड्डा है लेकिन असीं इहनूं छोटा करके पेश कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा जिहा पेश कर रहे हैं। गुरबाणी जी श्लोक आउंदा कूप परयो जैसे दादरा देश विदेश ना होई। भी मेरी सोच कितां दी है, खूह दे मेंढक वर्गी, खूह दा मेंढक। सानूं नहीं पता लग रहा कि गुरु नानक साहब दा जो ब्रह्मंडी सिद्धांत सीगा असीं उहनूं इन्ना क छोटा जिहा करके पेश कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा जिहा करके। हुण गुरु नानक साहब भी इस इलाके च आउंदे ने, मंदी स्थापित करते ने। कपाल मोचन भी गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा साहब सुशोभित है, मारवा खुर्द भी गुरु नानक साहब का सुशोभित है, नान भी गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा साहब तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है इतों सुशोभित है, और अगे फिर पंजौर भी जाते हैं, इस इलाके भी घूमते हैं, अंबाले भी घूमते हैं। सोचने वाली गल ये है कि मैं 2002 दे विच इहदे वीडियो सीगा, माफ करना भी असीं उन्हां नलायक सिखां च शामिल सीगे जिन्हां नूं पीर बुद्धू शाह बारे भी कुछ नहीं पता सीगा। इत्थों दी लोहगढ़ दा एक बोर्ड लगता सीगा, खंडे दा निशान लग्गिया उस बोर्ड ते गुरद्वारा साहब लोहगढ़, उहदे बारे भी कुछ नहीं पता सीगा। गए भी नहीं 2002 च, क्या की लैणा, नौकरी कर रहे हैं क्यों टेंशन लैणी है। पर लेकिन 2016 का समा आया, लोहगढ़ के उपर जो काम करना शुरू किया अखा खुल गई जी। माफ करना साध संगत जी, सानू सिखी के इतिहास बारे कुछ नहीं पता। बंदा सिंह बहादुर, जरनैल बंदा सिंह बहादुर, जिन्हों असी मोटे मोटे तौर पर 300 साल तक कौमी गद्दार लिखे, अपनी किताबा रतन सिंह पंगू ने कौमी गद्दार लिखा, वह कौम के वह हीरो सीगे जिदे बारे सानू कुछ नहीं पता। बाबा बंदा सिंह बहादुर लिखते ने, जरब खालसा मुबारके बाम तजीन ते तख्त मुजफ्फर शहर, जन्नत वर्गी था भागा वाला शहर, खालसा तख्त तो सिक्के जारी हुए। खालसा तख्त लोहगढ़, खालसा तख्त जिहदा नाम लोहगढ़ सीगा, सिक्के ते लिखिया गया। सानू पता ही नहीं खालसा तख्त की हुंदा, लोहगढ़ भी कोई चीज़ है। सिक्के दे मूरले पासे लिखदे फ्रंट इंस्क्रिप्शंस ने, और लिखते हैं सिक्का जरबर हर दो आलम फाजले सत साहेब फतेह गुरु गोबिंद सिंह शहनशाह तेगे नानक वाहे अस्तको। कहते भी ये सिक्का तां जारी किया गया जिन्हियां फतेह हुई ने सारे गुरु साहबान समर्पित है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज शहनशाह समर्पित है, तो फतेह कि हासिल की है। कहते तेगे नानक वाहे अस्त, यानी गुरु नानक की तलवार नाल फतेह हासिल की है। खालसा जी समझ वाली गल है कि तलवार गुरु नानक की है, तलवार गुरु नानक साहब की है। तो जदों इत्थे बाबा बंदा सिंह बहादुर आए ने, तो फारसी के स्रोत कहिंदे ने अखबारे दरबारे मौला कि 70,000 घोड़सवार सिख फौज सडौरे च खड़ी है, 70,000 आई विटनैस लिखता मुहम्मद कासिम रंगाबादी ते काफी खान। माफ करना अज आबादी 10,000 भी नहीं सडौरे, 10,000 भी नहीं है, 70,000 आर्मड सिख फोर्सिस खड़ियां ने। जो मैं मेरी 5 साल इतने पोस्टिंग रही, मैं सारे पिंडा का जिदा मुआयना किया, काफी खान लिखता 52 किले ने, तो उन्होंने 52 किलिया ने जो चैक किया तो हर किले च लखी शाह वंजारे का खूह, भाई लखी शाह वंजारे का खूह तो प्लेटा लगिया हुई विच। माफ करना साध संगत जी, नौशहर पिंड जाके आओ, ठसका मीरा पिंड जाके आओ, खूह पत्थर के चुनाई के बने, उपर किलाबंदी अज भी खालसा राज की खड़ी है। लोहगढ़ तो लैके ते तुसी पंजौर तक चल जाओ, हर 10 किलोमीटर तो बाद खालसा राज का मोर्चा अज भी खड़िया है। तो आओ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चीख चीख के बयान देने भी ये खालसा राज सीगा इत्थे। हुण लखी शाह वंजारे का इत्थे होना, लखी शाह वंजारा कौन है? लखी शाह वंजारे बारे सानू इन्ना क पता है कि उन्हें गुरु साहब का जो 1675 के औरंगजेब ने गुरु साहब न शहीद करता, तो लखी शाह वंजारा जी उन्हें धड़ लैके जाके अपनी झोंपड़ी नू अग ला ली। भाई इन्नी स्टोरी सानू पता है, पर इत्थे जो खूह देखे, मैं पटवारी सारे कट्ठे किए रिकॉर्ड च, उन्होंने रिकॉर्ड च अज भी उन्होंने खूह का मालिक लखी शाह वंजारा। इत्थे थोड़ी दूर च एक पिंड पैंदा बंदा बहादुरपुर, जस्ट इत्थों 5 किलोमीटर दूर, उहदे विच एक किला है, किले नाम गढ़ी वीरान, उच खूह है, खूह किला लखी शाह वंजारे का। सानू समझना पएगा भी आ कड़ियां कित्थे जुड़िया हुई हैं, तारा कित्थे जुड़िया ने। जो मैं होर सिख हिस्टरी नू वाचना शुरू किया, होर
माफ करना साध संगत जी, यह इतिहासिक फैक्ट है, बेशक चैक कर लो। 1624 तो बाद छेवें पातशाह दरबार साहब छड़ते ने, ते फिर अगली छेवीं सतवीं अठवीं नौवीं दसवीं पातशाही कोई दरबार साहब नहीं जाते, सारिया सारिया पातशाहियां इस इलाके च विचरदियां ने। सानू विचार करना पेगा विचरदियां क्यों ने। सतवीं पातशाही गुरु हर राय साहब दबिस्तान मस्जिद कहिंदा इसी इलाके दे विच 17 साल 17 साल गुरु रहे, ते 1645 तो लैके 1658 तक इस इलाके च रहे। सानू जगह का नहीं पता अज तक 13 साल रहे कितने, असी तो जिथे एक है। मैं बंद कर दिना नहीं नहीं आई कैन स्टॉप इट, मैनू कोई इशू नहीं है। चलो बस 2 मिनट दे दो, इधर डजंट लुक नाइस, ठीक है ना। हुण सिंपल जी गल है कि जाके लभो तो सही, असी जिथे एक मिनट भी गुरु साहब रुके गुरुद्वारे बनाते 2200 घुड़सवारा नाल शस्त्रधारी होके गुरु साहब 13 साल रुकते ने। जगह दसो जी किने दसनी है, जगह कौन दसेगा जगह नू। ऐदा इतिहास नाल कत्ता कप्पा खेडांगे, सिख इतिहास नाल असी बिल्कुल नेरे तीर चला रहे हैं, बिल्कुल नेरे तीर चला रहे, सानू कुछ नहीं पता। 1645 तो लैके 1658 तक, तो 1652 अठवीं पातशाही का प्रकाश हुंदा, जे माता पिता इन्हां पहाड़ियां च बैठे ने तो अंदाजा तुसीं लैणा कि 1652 का समा विच ही आया, तो बच्चे का प्रकाश कित्थे होया होएगा, गुरु हर राय साहब गुरु हर कृष्ण साहब का प्रकाश कित्थे होया। गुरु तेग बहादुर जी के 13 गुरुद्वारे साहब ने इस इलाके, 13 गुरुद्वारे साहब, और गुरु गोबिंद सिंह महाराज पौंटा साहब 4 साल रुकते ने। मैं गया पौंटा साहब बचपन तो जा रहा, लेकिन हूँ जाके खोजी के तौर पर पूछना शुरू किया। मैं जी गुरु साहब ने किया कि कहना जी 52 कवि दरबार लाए, मैं तो कापी नोट लिखी सी, मैं जी 52 दिन कवि दरबारा दे पंगाणी का युद्ध, ओके 9 दिन हो गए, 9 घंटे समाप्त हो गया, किन्ने हो गए, एक दिन शेर भी मारिया 54 दिन, कहता बाकी कुछ नहीं पता सानू किस चीज़ बैठ के चलना, कई दिन बाद मुड़ के आते सी। साध संगत जी 1500 दिन ने, तो इतिहास साढ़े को 60 दिन 2 महीनों का पूरा नहीं है। इदा ना करो, सानू विचार करने की जरूरत है कि इतिहास गया कित्थे। ते मुहम्मद खलीफा 4 ने पीर बुद्धू शाह के चरणा च कृपान इसलिए भेजी कि वह मुहम्मद साहब का खून सीगे। उन्हें कहा भी जो भी गुरु नानक साहब की गद्दी दे हुण बैठे ने उन्हें चरनी पा दिओ। माफ करना साध संगत जी, इस परिवार ने 200 साल तक 200 साल इन्हां दे वड्डे वडेरे शाह अब्दुल वाहिब तो लैके पीर बुद्धू शाह तक गुरु नानक साहब के मिशन के उत्ते काम किया 200 साल तक। माफ करना असी अपनी अंदर झाती मार गए भी 200 दिन भी किते, छोड़ो 200 दिन 200 मिनट भी किते, उन्हां लोगों का असं कोई मुकाबला नहीं कर सकते, ना देना दे सकते हैं। और दूसरा मैं एक गल होर कहना चाहना, जेड़ा गुरु नानक दे फलसफे च इन्ना भिज गया, रोन का कोई कंसैप्ट नहीं, रोवे राम निकाला पे आसीता लक्ष्मण बिछड़ गया उदे विच एक लाइन होर आउंदी है गुरु नानक साहब दे श्लोक च, रोवे सेक मसायक पीर। हुण मैं भाई साहब सिंह इहनां दे व्याख्या देखी, वह लिखते ने भी मसायक होंदे बहु शेक, बई पीरां दे बहु वचन, जबकि गलत है, मसायक पीर बोलते सीगे पीर बुद्धू शाह दे वड्डे वडेरियां नूं, और रोंदे सीगे गुरु नानक साहब ने उन्हां नूं उस अकाल पुरख सल्ला मियाँ का सीधा रस्ता दिखाता, उन्हां रोना बंद करता। शहीदी दे के रोन का कोई कंसैप्ट नहीं है सिक्खी दे विच, छोटे शहरजादे नहीं रोए, बंदा सिंह बहादुर नहीं रोए, कोई शहीद नहीं रोया, वध तो वध अगे होके सब ने शहीदियां दित्तियां। सिक्खी च रोन का कोई कंसैप्ट नहीं है, जे सानू कोई इस पासे तोड़दा भी रोए इमोशनल करन दी कोशिश है तो वह सिक्खी सिद्धांत दे गल उल्ट है, सानू गुरबाणी आप पढ़नी पएगी। जो आप गुरबाणी पढ़ा सानू गल पता लग जाएगी। एक होर गल समझन दी है, भाई मनी सिंह का नाम किड्डा वड्डा है जी, अलग रहने वाले कितों के सीगे भाई मनी सिंह, आनंद इलाका, उन्हां दे फादर भाई माई दास, उन्हां पिता जी का जन्म भी माई इत्थे होया आनंद दे विच। हुण सानू समझना पएगा भी इलाका कौन किहदा है, इलाका सिखां दा सी, इलाका बड़ा वड्डा सीगा। 2 मिनट होर लवांगा जी, प्लीज जरूरी हो गया, हुण टैंपरामेंट जिहा बन गया जी, जां मैनूं टाइम पूरा दिया करो बुलाउण तों पहले, ठीक है जी।
भाई मनी सिंह जी का इत्थे होना उन्होंने वड्डे वडेरिया का गुरु हरगोबिंद साहब तो लैके बंदा सिंह बहादुर तक शहीदियां देना सानू इस गल का इशारा करता कि इलाका सारा वड्डा सी सिर्फ 20 किलोमीटर चल के जाओ इतों खालसा राजधानी लोहगढ़ का इलाका शुरू हो जाता समझना पेगा भी 200 साल तक पीर बुद्धू शाह जी इत्थे की काम कर रहे हैं। सैकेंड गल्लां बड़ियां वड्डियां ने टाइम की शॉर्टेज है दूसरा टॉपिक इन्होंने मैनूं होर दित्ता सीगा कि पीर बुद्धू शाह जी की हुण दा किला एक तरावड़ी च भी खड़िया है हुण मेरी क्यों करनाल ही पोस्टिंग उत्थे मैं जॉइंट कमिश्नर हाँ तो मैं तरावड़ी गया एक दिन ड्यूटी करन ते उत्थे किला खड़िया सीगा पुछा किला किहदा है तो लोग कहिंदे पृथ्वीराज चौहान का प्रत्यक्ष प्रमाण किसी कोल कुछ नहीं हुण पृथ्वीराज चौहान होया 1160 च 1160 च इट्टां चैक कीतियां क्योंकि असीं पढ़ते नहीं पए इट्टां भी नहीं देखते पे इट लगी सारी नानकशाही इट सारी लगी हुई है नानकशाही आर्टीटेक्चुरल डिजाइन सारा मुगल पीरियड का। फिर मैं जो जाके रिकॉर्ड पटवारी को चैक कराया तो रिकॉर्ड के नाम निकलिया शाह अब्दुल वाहिब जो कि पीर बुद्धू शाह का वड्डा वडेरा सी और रिकॉर्ड पता की कहिंदा है रिकॉर्ड ये भी गल कहिंदा है कि इस तरह का किला जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर फड़िया गया ब्रह्मपुरा गुरदासपुर को तैयार सीगा आप लभन नहीं गए हुण इस किले की क्या महत्वता है जो मैं दस रहा इस किले की दीवार के नाल एक गुरद्वारा साहब की दीवार है जिथे भाई जेता जी ने पहली रात गुजारी जो गुरु तेग बहादुर जी का सीस लेके आ रहे थे। ठीक है जी हुण मैं आप जो भी गल करिए ना आंकड़े सामने रख के गल करिए भाई जेता जे आप सीधा दिल्ली तो लैके आनंदपुर साहब चाहिए तो सफ़र है 350 किलोमीटर का 5 दिन च पूरा किया लेकिन भाई जेता जी ने जो रूट अडोप्ट किया बड़ खालसा तरावड़ी तरावड़ी तो पेवा पेवे तो अंबाला अंबाले तो बाद जीरकपुर जीरकपुर बाद तो आनंदपुर साहब ये 400 किलोमीटर हो गए जे 5 ना डिवाइड करिए सिंपल 80 किलोमीटर तो थोड़े जो बंदा दसो जिहड़ा 80 किलोमीटर पैदल दिन चल सके और जे हाथ च सीस फड़िया होए दैट मीनस असी भाई जेता जी की जिहड़ी पिक्चर तैयार की वो सिर्फ आप दिखाती पैदल चल रहे हैं जबकि घुड़सवार सीगे एक बिना घुड़सवार तो इन्ना सफ़र पार नहीं किया जा सकता सीगा। सैकेंड सीस उत्थे रख्या गया रात का पड़ाव उत्थे होया जिथे सिखां दे वड्डे गढ़ सीगे जिथे सिखां दे बिना सिक्योरिटी पॉइंट तो सीस नहीं रख्या जा सकता सीगा ते तरावड़ी दे किले च सीस रख्या गया पीर बुद्धू शाह दी जगह च सीस रख्या गया ते सानू समझना पएगा कि पीर बुद्धू शाह दी की शख्सियत सीगे ओ गुरु साहिब दी कोर टीम दे हिस्से सीगे उस तो बाद जो पेवे गए पेवा भी अगे जाके अल्टी